महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान शिव के जयकारों से गूंजे मुंबई चांदीवली विधानसभा के मंदिर। इच्छापूर्ण महादेव संकट मोचन मंदिर में 2009 से संस्था की गई शुरुआत। सभी कमेटी मेंबर का मिला भरपूर सहयोग। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर होती है पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। एसटीवी न्यूज के लिए मुंबई से नियाज अहमद खान की ये रिपोर्ट। शिवा काशी शिवा काशी काशी वासी शिवा शिवा राह माम पार्वती नाथो सर्व कष्ट सर्व दुख हरो हुआ। भक्तों के इस पूजन से आज का जो पर्व है मित्रों, ये शिवरात्रि है। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव का ये बड़ा परम पवित्र बड़ा दिन माना जाता है। आज दिन जो भी भक्त भगवान शिव की उपासना करता है, रुद्राभिषेक करता है, उनका श्रृंगार करता है, जब पूजा पाठ जो भी करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ लगभग विगत 5 वर्षों से मैं प्रतिदिन यहाँ हर वर्ष इस शिवरात्रि में सम्मिलित होता हूँ। और इस मंदिर के सभी जितने भक्तगण हैं सब श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का पूजन अभिषेक श्रृंगार हवन करते हैं, अपने कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। और जो जिसकी कामना होती है भगवान सबको पूरा करते हैं। हम यही कामना करते हैं, हम लोग जो पूजा करते हैं, कैसे हर प्रतिवर्ष लोगों का श्रद्धा प्रेम भरना भगवान के प्रति बना रहे और सबके कल्याण के लिए ये लोग सामूहिक जो आयोजन करते हैं नित्य प्रतिदिन करते रहें, यही हमारी मनोकामना। हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का भक्त समूह बहुत ही उत्तम है। यहाँ के लोग बड़े मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं और हमको यह अवसर मिलता है आज कई जगहों जो कि यहाँ आचार्य पद पर हमको लोग दूर करते हैं और हम अपने सहायकों के साथ भगवान शिव की आराधना कराते हैं। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो हमारे ऐसे प्रोग्राम में आप लोग शरीक हुए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु का जितना मैं गुणगान करूँ वो कम, बस ज़्यादा के क्या बोलूँगा। और हमारे भाई लोग तो बताए विशेषता। मैं सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के इस अवसर पर पूरे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभ संदेश देना चाहता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि हमारे महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म की रीढ़ है और हम हमेशा यहाँ पर इस प्रकार से मनाते आए हैं। देखिए भाई साहब, हम जो यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं 2007 से ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पर होता है। 2007 में जब हम लोग यहाँ पर आए तो उस वक्त यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी और मंदिर जैसा कोई यहाँ पर स्थान नहीं था। बिल्डर ने एक छोटा सा ऐसा घर जैसा बना के दिया था, उसको हम लोगों ने फिर अपने हाथ से डेवलप किया और आज जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे सभी भाइयों की बड़ी मेहनत का नतीजा है। इसमें किसी ने कोई सरकार ने कोई फंड नहीं दिया है, ये सब हमारे भाइयों का सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण यहाँ तक आज पहुँचा है। तो प्रभु की आस्था बनी और इस टाइम से हम जुड़े हैं। आज हम बहुत भव्यपूर्व से कहाँ थे और कहाँ पे हैं वो सब ने मैंने क्या किया, जब जुड़ा मंदिर से हम हमारे सर जी श्री मिश्रा मेहमान ऐसे बहुत से जो यहाँ पे लड़के थे सब लोग साथ में थे, तो हमने क्या किया उस टाइम एक एक लोग को जोड़ा कि भाई चलो आज प्रोग्राम हो रहा आना है, एक को जोड़ा दो को जोड़ा करते करते आज हम लोग का जो मंडल है तो वो बहुत अच्छा मंडल है। बहुत 70 घर जुड़े हुए हैं और जिसको मैं यहाँ जोड़ा और जो श्रद्धा मन से भगवान के पास थे वो सक्सेस हुए और उनका हर कार्य प्रभु ने इच्छापति महादेव ने पूरा किया क्योंकि इनका नाम ही इच्छापति महादेव है। मंदिर सभी ने मिल के बनाया, ये सबको पता है कि मैं जो मूर्ति अंदर रखी गई है मंदिर में, ये मूर्ति यहाँ पे, ये मूर्ति ये पहाड़ जो है ना आप दिखा सकते हैं कैमरा में, आपने वहाँ पाई गई थी। कुछ लोगों ने मूर्ति को ला के यहाँ पर रखा, पर जब से हम लोगों ने इस मंदिर को ज्वाइन किया और देख रेख संभाला उसके बाद इस मूर्ति की जो प्रतिमाएँ हैं उनका जो बोल सकते हैं उनको एक उनका आशीर्वाद इतना भव्य है कि आज हम सभी बहुत यहाँ सुख शांति सभी को मिली है, सभी की इच्छाएं पूरी हुई है। यहाँ सभी भक्तजनों का स्वागत करूँगा और शिक्षा पूज्य महादेव महाराज की जय हो। और जिस तरह सर जी बताया हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट ने कि मंदिर का जो गठन हुआ है काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सफाई प्रयास से हुआ है, तो इसी तरह का गठन होते रहे और अच्छे कार्य होते रहे, यही कहना चाहूँगा। खुश हूँ। देखिए अभी हमारे अग्रज बड़े भाइयों ने
और अश्विनी कुमार दुबे जी ने सब कुछ बता ही दिया, कुछ शेष नहीं रहा। मैं इतना ही कहूँगा अपना अनुभव शेयर करते हुए कि इस ट्रस्ट से मैं तो जुड़ा हूँ 5 साल से, लेकिन यहाँ संघर्ष नगर में आए हुए मुझे 3 साल हुए। यहाँ मैं जब आया तो मुझे डिपॉजिट देने का रूम का पैसा नहीं था, आज मैं यहाँ का मकान मालिक हूँ। और हमारे श्री इच्छा सबकी इच्छाएं पूरी की है, और यहाँ वर्ष में 4 प्रोग्राम कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा हनुमान जयंती पे होता है। अखंड रामायण 24 घंटे का अनवरत होता है, और फिर भजन कीर्तन स्टेज प्रोग्राम होता है। दूसरा ये महाशिवरात्रि का, और नवरात्रि में हम लोगों का दोनों नवरात्रि में देवी जागरण हम लोग करते हैं, और जन्माष्टमी, जन्माष्टमी नवरात्रि के अलावा जन्माष्टमी, 5 प्रोग्राम हम लोग मतलब करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम इस समय अभी आने वाले श्री हनुमान जयंती पे अखंड रामायण पाठ और स्टेज प्रोग्राम होता है। भयाम के शवम राम नारायणम रामोदरम वासुदेवम हरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम जन्म। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।